What's up and welcome back to the channel Real Love with Jyothi. I'm sure you all are doing absolutely fantastic. So guys, ये आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टेड वीडियो है, इस प्रोडक्ट का जो कि काफी फेमस है आजकल, डर्मा रोलर. यस, तो डर्मा रोलर के रिलेटेड ये वीडियो है जो Amazon पे अवेलेबल है 268 रुपीस में. आपको एक ऐसा प्रोडक्ट मिल रहा है जो आपको हेयर ग्रोथ प्रोवाइड करता है, ऐसा कहा गया है. आई एम नॉट सेइंग दिस क्योंकि अभी तो मैंने उसे यूज भी नहीं किया है. दिस इज जस्ट अ रिव्यू वीडियो कि वो कैसा प्रोडक्ट है, फर्स्ट टाइम यूज करने में कैसा लग रहा है. नए हो तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आपको देती हूँ वीडियो स्किन केयर के बारे में, हेयर केयर के बारे में और कुछ हॉल वीडियो भी, जिससे कि आप अच्छे कपड़े पहन सके और प्रोडक्ट भी, जिससे आप अच्छे प्रोडक्ट अपने लिए खरीद सके. प्रोडक्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, जहां से आप इस प्रोडक्ट को इजीली जाके परचेज कर सकते हैं. यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ डर्मा रोलर को यूज करने, एंड ये कुछ इस तरीके से दिखता है. फर्स्ट आई एम वेरी हैप्पी विद द पैकेजिंग बिकॉज बहुत ही नाइसली 200 रुपीज, लाइक अंडर 300 में ये प्रोडक्ट इतना नाइसली पैक करके दिया है ना कि आई एम रियली इम्प्रेस्ड. और यहाँ पे मैंशन है 0.5 mm. ये इस तरीके से आपको डर्मा रोलर मिल रहा है. और यहाँ इसको क्या करना होता है, आपको अपनी स्कैल्प पे हल्के हैंड से रोल करना होता है. सो इसको यूज़ करने के काफ़ी बेनिफिट है गाइज. अगर आपके हेयर जो है बहुत ही ज़्यादा थिन है, सो ये आपके हेयर को थिकनेस प्रोवाइड करने वाला है, क्योंकि जो इसके निडल्स हैं वो आपके रूट को क्या करेंगे, पेनेट्रेट करेंगे और उसमें हेयर ग्रोथ होगा, ऐसा ये लोग कहते हैं. अभी मैं ऐसा कुछ नहीं कहती हूँ, आपको बताऊँगी एक महीने बाद मैं क्या कहती हूँ. और ये क्या करता है, रिपेयर करता है हेयर डैमेज को. और इसमें यूज़ किया वो मटेरियल जो है वो है मेटल. अगर आप मेटल से एलर्जिक हैं तो इसको बिल्कुल यूज़ ना करें. और गाइस, इसके ये जो शार्पनेस है इसकी बहुत ही ज़्यादा है, बिल्कुल ही आपको फील नहीं होगा. लाइक नो पेन नो डिस्कम्फर्ट का ही क्लेम करते हैं, विच इज़ ट्रू. कोई पेन और कोई डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा है, बस हल्का सा ऐसा लग रहा है ना कि कुछ तो हो रहा है स्कैल्प में, विच इज़ गुड, मतलब अच्छा लग रहा है. बहुत फोर्सफुली ना करें इसे, क्योंकि आपको ये हर्ट भी कर सकता है और बच्चों से काफ़ी दूर रखें. और अगर किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट हो तो फिर से नेक्स्ट टाइम यूज ना करें. आपने से देखा कि मैंने कितनी ही जेंटली हैंड से इसे यूज किया अपने स्कैल्प पे, बहुत ही ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, क्योंकि गाइस ये जो है ना ये पतली पतली सी नीडल काइंड ऑफ है जो आपके स्कैल्प में बहुत ही, मतलब जब आप करोगे ना तो आपको बड़ा मजा सा आने वाला है. थोड़ा अभी भी मेरे स्कैल्प में ऐसा हो रहा है तो इस तरीके से ये हो रहा है. बट व्हाट आई फाउंड गाइस कि दिस कैन बी डेंजर ऑल्सो, क्योंकि ये देखो ये जो नीडल है ये आपके स्कैल्प के थोड़ी सी अंदर तो जा रही है ना, देन दिस कैन कॉज इन्फेक्शन ऑल्सो. सो इन्फेक्शन से बचने के लिए जब मैंने इसे ऐसे आज यूज़ कर लिया है, उसके बाद मैं इसे अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद ही रखूँगी. एंड मेक श्योर कि अगर आपके घर में तीन जने हैं तो आप तीन डर्मा रोलर यूज़ करें. अगर तीनों को यूज़ करना है, आप एक पर्टिकुलर डर्मा रोलर सिर्फ अपने स्कैल्प ले रखें, एक ही डर्मा रोलर से तीन जने यूज़ ना करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा बन सकते हैं. अगर आप सिर्फ अकेले यूज़ करोगे तो दिस वुड बी गुड. 300 पे दिस इज़ रियली नाइस प्रोडक्ट. और आफ्टर वन मंथ, आज से एक महीने बाद मैं आपको इसका रिव्यू दूंगी कि एक महीने यूज़ करने के बाद मुझे ये कैसा लगा है. और यहाँ पे देखो इस एरिया पे मेरे बाल जो है अभी भी कितने कम हैं, ठीक है. तो इस एरिया को हम आज शूट कर रहे हैं और एक महीने बाद भी से देखा जाएगा कि यहाँ पे कितनी हेयर ग्रोथ इसने की है, जिसका क्लेम है क्या वो एक्चुअल में अपने क्लेम पे उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है. सो विल सी. सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो. जस्ट वेट करो वन मंथ का. वन मंथ बाद मैं इसका रिव्यू वीडियो देने वाली हूँ. मैं तुरंत भी दे सकती थी, बट आई डोंट वॉन्ट कि मैं कोई भी प्रोडक्ट आपके सामने ऐसा ले आऊँ जिसको मैंने पर्टिकुलर समझा ना हो, जिसने फ़ायदा ना किया हो. जस्ट फॉर व्यूज़ मैं ये नहीं बोल सकती कि डर्मा रोलर बहुत अच्छा काम कर रहा है. तो ये था अनपैकिंग वीडियो. अगर ये अच्छा काम करेगा तो बिल्कुल आपको एक महीने बाद मैं बताऊंगी अच्छा काम किया, और अगर अच्छा काम नहीं करेगा तब भी मैं बताऊंगी किसे लेना वेस्ट है. छोटा सा रिव्यू वीडियो अबाउट दिस डर्मा रोलर. आपने अगर इसे यूज किया तो मुझे कमेंट में बताओ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि जब मैंने इसके बारे में रिसर्च किया है तो कुछ लोगों को इससे हेयरफॉल भी हुआ है. तो अगेन गाइज, अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड प्लीज प्रेस द लाइक बटन. जब लाइक करते हो ना तो मोटिवेशन और बढ़ती है कि हाँ आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियोज में दे सकूं. अभी करते हैं बाय बाय और मिलते हैं आपको एक महीने बाद सेम प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ, किसने कैसा काम किया है. और उससे पहले बहुत सारे वीडियोज आने वाले चैनल पे, सो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.